गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। घटना कलकत्ता की है और ये एक ऐसी घटना है जिसने मेरे ज्ञान को जड़ से हिलाकर रख दिया था। जो मैंने पढ़ाई की थी पैरानॉर्मल रिसर्च में, उसमें हमें ज्ञात था और आम लोगों को मैं ये बताता भी हूँ कि भूत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो भूत बाधा जो होती है वो शरीर के बाहरी हिस्से में होती है, इसलिए उसको हवा भी कहा जाता है। परंतु जो मैं नहीं बताता हूँ वो ये है कि प्रेत शरीर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन ऐसा भारत में तो कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि आपने कौन सा केस देखा है ये लिखा जाए। अंग्रेज़ों के पास ये व्यवस्था रही और उनके हिसाब से करीब 60-70 साल पहले ऐसा एक केस आया था जिसमें प्रेत बाधा थी। उसके बाद से जो भी आया उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उन लोगों ने घोषित कर दिया और मैं भी जब देखता था लोगों को, जब मैं देखता था, अब तो भैरव जी के शरण में है, सब उन्हीं के हाथ में, तो भूत बाधा का भी जो केस था बहुत कम मिलता था। परंतु ये एक ऐसी बच्ची थी कि जब उसके परिवार ने मुझसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची अच्छी खासी थी। आज के दिन में क्या हो रहा है कि हर चीज़ को सुंदर बनाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं और इसी में स्मशान को सुंदर बनाया जा रहा है। तो उसके चारों तरफ चार दिवाली दे के CCTV दे दिया जाता है, पानी का जो स्रोत है उससे स्मशान को काट दिया जाता है। तो मूलभूत रूप से स्मशान को क्या सुंदर बनाएंगे, हमारा ये मंतव्य रहता है कि उसके आसपास भी लोग बसें और लंबा ऊंचा जेल जैसी दीवारें कर देते हैं ताकि वो दिखे ना बाहर से। लेकिन इसके आसपास क्या होता है कि जो धुआं है, जो महक है, वो वातावरण में फैलती है और घरों तक जाती है। ऐसा ही एक लोकेलिटी में ये परिवार रहता था। तो प्रथम दृष्टया मुझे यही लगा कि कोई हवा होगा इस बच्ची पर, क्योंकि छोटी बच्ची थी, बहुत बड़ी नहीं थी। मतलब जब उसके साथ ये घटना शुरू हुई तब वो बहुत छोटी थी, जब मैंने इसको देखा तो ये 13 साल के आसपास होगी, 12-13 साल की। और इसको मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट घोषित कर रखा था और इसको सिक्कड़ से इसका पैर बांध के रखते थे। ये घर की महिलाओं के साथ एग्रेसिव हो जाती थी। मतलब जो एडल्ट का बिहेवियर है ये महिलाओं को देख के करती थी। अच्छा, उन दिनों क्या था कि शुरुआती दौर था मेरा, शुरुआती तंत्र में नहीं था, लेकिन शुरुआती ऐसा था कि लोग जानना शुरू कर दिए थे कि हाँ इन सब चीज़ों में मैं हूँ, तो बड़ा मजाक का पात्र बनता है। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है कि अगर आप सनातन धर्म में आगे बढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे अरे बाबा है ये, तो इस तरीके की बात। तो उसी में एक पत्रकार महोदय थे, तो वो इस बच्ची के घर वालों को जानते थे। जब वो वो भी मतलब ऐसे ही थे कि वो मजाक उड़ाते थे कि भूत प्रेत को होता नहीं है, तुम तो ऐसे बाबा बन गए हो। हम भी उनसे बहस करते नहीं थे, अंग्रेजी अखबार के पत्रकार थे। उन्होंने एक दिन इस लड़की को सीधा बिस्तर पर खड़ा होते देखा और मुझे बोला कि भैया आपकी अब आवश्यकता पड़ गई, आप चलो। तो क्योंकि हम काफ़ी अंग्रेज़ी भी पढ़ रखा था, अंग्रेज़ी जो फिलॉसफी है वो भी पढ़ रखा था और तंत्र भी पढ़ रखा था, तो मुझे आभास था कि ये बहुत तेज़ चैनल है, जो लड़की है वो बेवकूफ़ बना रही है लोगों को, 13 साल की लड़की है। परंतु जब मैं उसके पास गया ना तो वो पलटकर सोई हुई थी। तो मैं अपने शिष्यों को भी सिखाता हूँ कि जब भी पजेशन का केस आए तो उसके पीठ के पीछे से जवाब, मतलब उसको आवाज़ दो, ओ इधर देख, ऐसा मन में, उसको बोलना नहीं है। और आप जब मन में बोलोगे ना और सही में अगर प्रेत बाधा होगी या भूत की बाधा होगी तो वो पलट जाएगा व्यक्ति। फिर मैंने ये सोच के रखा था कि उसे पूछूंगा कि मेरे पीछे वाले पॉकेट में कितना पैसा है। तो ये सब क्या होता है, ये सब टेस्ट होता है कि सच में व्यक्ति किसी हवा से पीड़ित है या फिर नाटक कर रहा है, परेशान कर रहा है अपने घर वालों को, काम चोर है, पढ़ने से भाग रहा है। तो उसकी जब करस्तानियों को मैंने सुना, मेरे साथ एक ही व्यक्ति गया था और जो कि तांत्रिक नहीं था, ठीक है। जनरली जब हम लोग केस देखने जाते हैं ना इस तरीके के, तो क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा बल होता है तो 2-3 लोगों को लेके जाते हैं। उस दिन एक ही व्यक्ति था, बड़ा तो उन्होंने बोला कि हमने सिक्कड़ में बांध के रखा, हिम्मत जुटाए, हमने बोला चलो देख के आते हैं। जाकर के दरवाजे पर खड़े हुए और बस इतना बोला ए, मन में बोला ए, उसके बाद आगे का कुछ बोलना था, आगे के डायलॉग थे मन में। ए बोलते तो वो लड़की उठ के बैठ गई, अच्छा आ गए, ओ अच्छा ये वही पुराना ट्रिक, आ गए, इंतज़ार कर रही थी। मैंने बोला चलो सरकमस्टांसेस है, ये एक ऐसा संयोग बन गया कि मैं आया और ये जो है पलट गई, या फिर ये सुन रही होगी हम लोगों को। तो मैंने जैसे मन में बोला ना ए, तब तक तो ये उठ के बैठी हुई थी, आगे उसको बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद उसने बोला क्या एग्जैक्ट, मतलब कितना पैसा था मेरे जेब में मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन कुछ होगा, मतलब मैंने चिल्लर ही रखा था, 17, 17.5 ऐसे करके कुछ रुपए रखे होंगे या 6.5 रुपये, इस तरीके से कुछ थे मेरे जवाब पॉकेट में। उसने बोला तेरे पीछे वाले पॉकेट में ना इतना पैसा है, मतलब ये मैं पूछने वाला था, ऐसा मैंने सोच के रखा था कि मैं अगला सवाल इससे यही पूछूंगा। और जैसे अभी मैं चुप हुआ ना बिल्कुल इसी तरीके से मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये क्या हो गया। मतलब मैं मानसिक रूप से तैयार ही नहीं था कि इतना एग्रेसिव कुछ होगा जो कि ऐसे करके मुझसे बात करेगा। आज तक किसी ने नहीं किया था, किसी भूत ने नहीं किया था मुझसे ऐसी बात। और फिर उसने बोला आजा बैठ जा, तू बैठ जा, थोड़ी देर बातें कर ले, जैसे उसको मारा ना तुझे मैं मारूंगी। तो मुझे लगा कि ये पिटाई विटाई करने की बात कर रही है तो खतरनाक है, 2-3 लोगों को बुला लेना चाहिए। फिर वो उधर से बोलती है नहीं नहीं, पीटने की बात नहीं कर रही, जान से मार दिया उसे, तू गलत जगह आ गया है, ओहो। उसके बाद थोड़ा रोष आया मुझे, खाली थोड़ी था मैं, मैंने भी पूरा तंत्र मंत्र अपना जो है वो चलाना शुरू किया। असर होता था उस पर, वो बेहोश होके गिर जाए, फिर 2 मिनट बाद खड़ी हो जाए, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा उसने कर दिया था। मैंने बोला देखो भाई ऐसा है कि ये तुरंत में तो रिजॉल्व होने वाला है नहीं, ठीक है, तो मैं पुनः आऊँगा इसको देखने के लिए। और जो सत्य था कि मेरे मन में ये आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ गई थी उसके कॉन्फिडेंस को देख करके। ऐसा होता है, यह हमें सिखाया जाता है कि कभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। तो सामने तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया हमने, हमने मंत्र तंत्र यंत्र उसको पूरा दिखाया, लेकिन जो बात थी कि थोड़ा तो अंदर से हिल गया था मैं, जिस तरीके से उसने मेरा सामना किया कि उतना सामना, उतने मंत्रों का सामना, उतना अभिषेक किए हुए सामग्रियों का सामना एक आम भूत नहीं कर सकता है, जैसे वो बार बार वापस आ जाए। तो मैंने बोला कि इसका तो उपाय निकालना होगा। तो मैंने उसके घर वाले को बोला कि ऐसा है कि मुझे कुछ साधना करनी होगी, कुछ सिद्धियाँ करनी होगी, उसके बाद मैं आता हूँ। और वहाँ से मैंने उसका एक वस्त्र उठा लिया और चल दिया अपने किसी गुरु के पास। तो गुरु ने जब देखा तो वो पूरे परेशान हो गया और उसके बाद बोला कि ये तुमसे होने वाला नहीं है, ये मैं खुद करूँगा। अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब याद करता हूँ इस घटना को। तो मुझे लगा ओ हो गुरु नहीं चाहते कि इनके क्षेत्र में मैं प्रवेश करूँ, बंगाल में था ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला देखो तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा केस छीनना चाहता हूँ। मूलभूत बात यह है कि ये है प्रेत और ये मुझे चाहिए। तो उन्होंने वो वस्त्र देख करके ही बहुत मतलब एक साधना होती है जिसमें मिट्टी या फिर वस्त्र को सूंघते हैं जब औघड़, तो उनको पता लग जाता है कि ये क्या है, क्यों है। तब मैंने बोला लेकिन गुरुजी उसका लक्षण तो ऐसा नहीं लग रहा था। लक्षण उसने अभी दिखाया ही नहीं है, ठीक है। और मैंने बोला तो एक काम करो गुरुजी, आप मुझे बता दो कि कैसे उसको कंट्रोल करना है और मैं कंट्रोल करूँगा उसको। तो गुरुजी ने बोला सबसे पहले ये बता कि तुम तो अभी यहाँ आ गए हो, लेकिन उसके घर का बंधन क्या है क्या? बंधन तो मैंने नहीं किया। तो बोला पहले तो दौड़ के जाओ और उसके घर का बंधन करो तुम। तो मैंने बोला क्यों, मतलब बंधन क्यों करना है, और आत्माएं और शक्तियाँ आएंगी? जो अपना एक सवाल रहता है मन में। बोला नहीं नहीं, वो बाहर आएगी और तुम्हें मारेगी ज़रूर। मतलब एक तो ऐसे ही काँपा हुआ मैं उस पर और डरा रहे हूँ। तो उन्होंने बोला कि इस प्रेत ने और हत्याएँ की हैं, ये तय है इसके लक्षण को देख करके, और ये तुम्हें भी ढूंढेगी, तुम्हें भी मारेगी ज़रूर, क्योंकि इस तरीके का प्रेत बंधन नहीं सहना चाहते कि कोई उसको जो है उसको चैलेंज करे। हमने गुरुजी चैलेंज किया नहीं, आपको लगता है चैलेंज नहीं किया, लेकिन उसने मान लिया कि आपने चैलेंज कर दिया। स्थिति थी गंभीर। हम 1 घंटे बाद फिर पहुँचे और घर को बांधा तांबे की तार को अभिमंत्रित करके। उसके घर वालों ने विरोध किया, नहीं तांबा मत बांधना। क्यों नहीं तांबा बांधना? क्योंकि ऐसा लिखा है कि जो मानसिक रोगी होते हैं वो तांबे से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। मैंने बोला देखो एक दिन अभी रहने तो मैं इसका उपाय करूँगा। और जब मैं उसकी खिड़की, वो ग्राउंड फ्लोर था, और जब उसकी खिड़की के बाहर मैं बंधन कर रहा था, उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो हंसने की जो आवाज़ थी, उसने कई दिन तक मुझे हंसने नहीं दिया, कई दिन तक मैं सो नहीं पाया। दूसरे या तीसरे दिन जो हमारे वहाँ वाले गुरु थे कपालिक को, वो साथ में हमारे हुए, हम वहाँ पे गए। और वो लड़की बिल्कुल शांत सी बैठी हुई है, हम लोगों को देख रही है और हमें बोल रही है कार्यक्रम शुरू करो। पहले एक को लेना था, अब 2 लूँगी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि उसका आवाज़ कोई बदला हो या वो बहुत शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो, नहीं, वो सिर्फ बातें करती थी। और वो बातें ऐसी करती थी कि आप दहल जाओ। कार्यक्रम शुरू हुआ। शुरुआत में उसने काफ़ी जोर दिखाया, उसके जो नाखून थे वो नीले काले ऐसे हो गए जब पूरा तंत्र का जोर लगा। और बीच मध्य में आ करके ऐसा गुरु जो थे हमारे कपालिक, उनको आभास हुआ कि उनसे अब नहीं संभल रहा है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला तो फिर क्या भागे? तो उन्होंने बोला नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं है, ये एक तंत्र मार्ग से नहीं संभल रही है। तो उनको पता था कि हमने वज्रयान की कुछ साधनाएं कर रखी थी, तो उन्होंने बोला कि उसमें जो कीलन का प्रयोग होता है उसका प्रयोग तुम कर लोगे बिना डरे। हमने उसमें डरने की क्या बात, आप बैठे हुए हो, गुरु समक्ष बैठा है, अब हमें डरने का क्या है। तो बोला देखो तुम इस पर कीलन का प्रयोग करो। और फिर कीलन जो होता है ना, वो भैरव का एक सामग्री होता है जिससे किसी भी चीज़ को तुरंत रोक दिया जा सकता है। तो कीलन का प्रयोग करने से वो काफ़ी वो हरकतें उसकी कम हो गई, और फिर उसको जब बंधन किया गया तो कहानी छन के बाहर आई। बहुत विभत्स कहानी थी वो। ये जो लोकेलिटी था ना, ये नदी के थोड़ी दूरी पे था, और वहाँ एक श्मशान हुआ करता था। तो जहाँ पर एक तरफ तो गाड़ने वाला था और एक तरफ जलाने वाला। जो गाड़ने वाला जगह था ना, उसको बिल्कुल गार्डन की तरह बना के रखा था, ठीक है। और पहले क्योंकि ये दीवारें होती नहीं थी तो बच्चे वहाँ खेलने चले जाते थे। तो इस बच्ची ने, वहाँ किसी ने चना ऐसे फेंका हुआ था, वो उठा के खा लिया। जो तांत्रिक है उनको पता होगा कि जब प्रेतों को काबू किया जाता है तो बहुत सारी सामग्री उनको भोजन के रूप में परोसी जाती है। उसी में से जो कब्र होता है ना, उस पर चना फेंका जाता है। तो किसी ने साधना की होगी प्रेत को काबू में करने के लिए, और उसने फेंका होगा चना उस कब्र पे। और बंधन किया हो ना किया हो, उस चना को इस बच्ची ने खा लिया, और साक्षात प्रेत को आमंत्रण दे दिया अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए। इसमें प्रवेश करने के बाद उस तांत्रिक की हत्या हो गई, वो मतलब मृत पाया गया, ऐसा उसी प्रेत ने बताया। और इस लड़की को ठीक करने में करीब करीब 1.25 से 1.5 साल लगा था, क्योंकि हम जितना करते थे उससे वो 2 कदम आगे रहता था। प्रेत था, उसको ज्ञान था हमसे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अंत में विजय किसका होता है? हाँ, अंतिम विजय सत्य क्या होता है, लेकिन परंतु तंत्र मार्ग में अंतिम विजय भैरव ही होते हैं। और भैरव के गण होते हैं, भैरव का तंत्र होता है, भैरव का मंत्र होता है। 1.25 साल बाद वो लड़की ठीक हुई, आज के डेट में पढ़ती लिखती है, और अपना मैट्रिक वो कोरोना में पास भी कर गई। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। ये व्हाट्सएप पर ग्रुप चलता है। इसमें साधना का जो शुरुआती आयाम है, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आसन बंधन, शरीर बंधन, ये हम आपको सिखाते हैं। मेरा लिखा हुआ लेख या आने वाले कार्यक्रम को पढ़ने जानने के लिए www.aghortantra.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। भगवान भैरव, रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को सुरक्षित रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलाख आदेश।